ये फ्रिज में से निकला हुआ फल जो कि ख़राब हो चुका है, ठीक है, इसके अंदर की तारें जो हैं वो टूट चुकी हैं। तो एक लाइट में इस्तेमाल करना चाह रहा था, खुद से लाइट बनाना चाह रहा था, उसके लिए मैंने इसके अंदर एक एलईडी फिट कर दी है, ठीक है, उसकी वीडियो में भी आपको दिखाता हूँ। और जो डिज़ाइन मैं निकाल रहा था इस टाइप के लिए, कुछ स्केचेस किए हैं जो कि ये है, ठीक है, तो मुझे ये वाला कुछ बेहतर लगा है, ठीक है, ये भी मुझे बेहतर लगा है, बट बाकी सारे ठीक हैं, ये मुझे लग रहा है कि मैं बनाऊँ, मुझे ये एक अच्छा सा अच्छा डिज़ाइन लग रहा है, जिसके लिए मुझे मैं देख रहा हूँ इसकी मेजरमेंट, मुझे ये और ये, यहाँ से भी 5 इंच है और यहाँ से भी 5 इंच है, फिर उसके अंदर का एरिया निकलता है, ठीक है, इस कार्डबोर्ड पे ख्याल है, इससे बनाऊंगा, इसमें ड्राइंग करता हूँ और फिर इसकी कटिंग करते हैं, फिर ये इसके अंदर फिट करते हैं, जैसे ये यहाँ पे। मैं इसकी ड्राइंग बना के इसकी मैं ड्राइंग बना के इसको मैं काट चुका हूँ, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको क्रीज भी कर लिया, क्रीज करने के बाद क्या होगा जी, इसे आसानी से मोड़ सकता हूँ ये, ठीक है, अब इस सब में तो आ गए मेरे पास सारी मेजरमेंट आ गई, अगर मैं इसको इस तरह बंद करता हूँ तो इसमें एक चीज़ मिस है, वो ये है, ये राउंड फेस, ठीक है, इसको अभी मुझे काटना है, इसको मैं कैसे काटूँगा, मैं मोड़ के दिखा दूँ, ये सारे जो हैं ये इस तरह करके बंद हो जाएंगे, और ये मेरे पास ये एक बॉक्स आ जाएगा, और ये जो है इस तरह करके बंद हो जाएगा, मेरे पास बॉक्स आ गया, मैं यहाँ का फेस बनाऊँगा, इसके लिए मैं ये सेम, ये कितनी है, ये है जी, ये मेरे पास 1 इंच है, मैं 1 इंच जो है वो लंबी सीधी पट्टी काटता हूँ, लेकिन इजाफे छोड़ के कि उसमें मैं फ्लैप निकाल सकूँ, कि मैं यहाँ पे जोड़ सकूँ, ये भी मैंने बना लिया है, ठीक है, ये जो है ये इसको मैं ऐसे मोड़ूँगा, और ये वाले पार्ट जो है इधर ग्लो होते जाएंगे और ये ऐसे राउंड घूमता जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये मैं एक सुराख कर रहा हूँ, ये सर्कल लगा रहा हूँ यहाँ पे सुराख करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा बल्ब जो है वो इसके अंदर जाएगा, ठीक है, इसको मैं काटता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसको जोड़ के, इस सारे को जोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ।
मैं इसको छोड़ता हूँ सारे को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला मॉडल हमारा तैयार हो गया है। अब इसको जोड़ने से पहले यहाँ पे मैं इसका जो है वो इसकी पावर रखूँगा जो कि एक सेल होगा, ठीक है। और उसको मैं यहाँ से एक ओपनिंग दे दूँगा उसको चार्ज करने के लिए। यहाँ पे यहाँ एक यहाँ पे मैं एक स्विच लगा देता हूँ, यहाँ से उसके वो चार्जर बना देता हूँ। अब मैं वो बनाता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ से जोड़ूँगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे चलेगा। इसके लिए ये मैं सेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैंने लैपटॉप की जो है वो बैटरी उसमें से निकाला हुआ है, और ये इसका जो है चार्जर है जो कि इसको चार्ज कर देता है। मैं भी चला के दिखाऊँ आपको, इस सेल को मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसके वेट की वजह से टिका भी रहेगा। और तो इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ जिसकी वजह से ये हम इसको दोबारा चार्ज भी कर सकेंगे। और इसका जो बटन है वो मैं यहाँ पे कहीं लगाता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसको वापस ऐसे जोड़ दूँगा, फिर मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ। मैं ये स्विच लगा रहा हूँ, अब ये स्विच जो है वो यहाँ पे सेट करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ, इसकी मार्किंग कर लेता हूँ। एक तार जो है वो हिल गएंगे, और यहाँ से एक तार निकालेंगे जो कि इधर आएगी, जो कि इसको ऑन करने के अंदर से सर्किट कनेक्ट कर देगी। इसको मैं ब्लू कर दूँ यहाँ पर। ये इसको टांके लग चुके हैं,
मैं जी इसको पूरा यहाँ से बंद कर देता हूँ, ड्रो कर देता हूँ जी हमारे यूएचयू, या कोई भी आप इसे जो कि पेपर को पकड़ सकें ग्लू लगा सकते हैं। ये हमारी वाइट तैयार हो गई, जिसको कह मैं लाइट से ये यहाँ से लाइट आने के लिए कितनी खूबसूरत लग रही है इनके।